विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध सामने प्रतिमा लगी है बाबा भीमराव अंबेडकर जी, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, शक्ति स्वरूप माता और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा कुछ निवेदन करें। आप बहुत काफी देर से संतों के माध्यम से ज्ञान की चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। एक कहानी कितनी बढ़िया सुनाई आपको, शायद मैं ध्यान दिलाऊं कि जिसके बेटा ने और अपनी माँ की नाक काट ली वो कैसा बेटा होगा? बेटा की गलती होगी या माँ की? आप सोच रहे होंगे वो बेटा कैसा अभागो होगा जिसने माँ की नाक काटी, और माताएं ये सोच रही होंगी कि ये तो बहुत गलत काम किया था। आज भी ऐसे भी को बहुत काफी लड़का है बहु है जो माता पिता को परेशान करते हैं। पर जब उससे पूछा गया तब उसने क्या कहा कि भैया मैं पहली बार जब पढ़ने के लिए गया था तो मैं एक कलम की चोरी करके लाया और इस माँ ने मेरे को रोका नहीं। दूसरी बार गया तो कुछ और चोरी करके लाया, तीसरी बार गया तो कुछ और चुरा करके लाया और धीरे धीरे मैं चोर बन गया, लेकिन इस माँ ने मेरे को कभी नहीं रोका। ये पहली बार अगर मेरे गाल पर चांटा मार करके कहती खबरदार ऐसा कभी मत करना, ये काम अच्छा नहीं है, तो शायद आज इस फांसी के तख्ता पर मैं नहीं होता। सबसे ज्यादा विश्वास बेटी बेटाओं को होता है तो माँ पर होता है। माँ मानव की खानी है। माँ अगर कहती चली जाती है ये तेरा ताऊ है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा दादा है, ये तेरा भैया है, ये तेरी भाभी है, ये तेरा मामा है, और बच्चा वही स्वीकारता हुआ चला जाता है, और माँ कह दे ये तेरा पिता नहीं है तो शायद वो पिता को भी स्वीकार नहीं करेगा। मेरी माँ ने नहीं कहा था कि तुम मेरे पिता हो। इसलिए माँ की अधिक सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है तो वो माँ की होती है। एक छोटी सी बात कहकर के मैं एक भजन सुनाऊंगा, समय तो उतना ही है और काफी है, थोड़े में ही बहुत है। ये संत महात्मा सुना रहे, सब भक्त सुना रहे, सब वही संत वाणी थी, चाहे हम सुनाए चाहे कोई और सुनाए, वाणी तो वाणी है। पीने की अगर कला हो तो पानी है, और पानी प्यास बुझाता है। सज्जनों, एक बच्चा को विद्या पढ़ने का शौक था, 8 साल की उम्र थी, लेकिन वहां कोई पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी। पुरानी कहावत है, कहानी है, उस माँ ने अपने बेटा को एक सौदागर के साथ में विदेश भेजा। किसके लिए? पढ़ने के लिए। जब लड़का चला तो उसकी जेब में 40 मोहर सोने की सीकर के बंद कर दी, और लड़का ने जब पैर छुए माँ के आशीर्वाद लिया तब माँ ने कहा बेटा मेरी दो बातों का ध्यान रखना, एक तो कभी झूठ मत बोलना और अपने ईमान को कभी मत खो देना। बच्चा ने स्वीकार कर लिया और सौदागर के साथ में वो लड़का गया। होनहार की बात, उस सौदागर को डकैतों ने लूट लिया, और एक डकैत ने आकर के उस लड़का से कहा बोल बेटा तेरे पास में क्या है? उस लड़का ने कहा मेरे पास 40 मोहरें सोने की। उस डकैत को विश्वास ही नहीं हुआ पहली बार तो, कि 40 मोहर, 8 साल का बच्चा आप इस तरीका से बोल रहा है।
उस डकैत ने कहा चल मुखिया जी बुला रहे हैं, और वो ले गया बड़े डकैत के पास। कहने लगा मुखिया जी ये लड़का बोल रहा है कि मेरे पास 40 मोहरे सोने की। उस मुखिया ने कहा तो बेटा निकाल। बोले मेरी माँ ने मेरे कुर्ता की जेब में सी करके बंद कर दिए, तुम्हारे पास कोई चाकू अथवा छुरी हो तो मेरी जेब को काट करके निकाल लो। उसने चाकू निकाला, जेब काट करके वो चमचमाती हुई 40 मोहर सोने की निकली। उस डकैत के अंदर एक बेचारे क्रांति पैदा हो गई। कहने लगा रे बेटा तू मना ही कर देता, तेरी कौन तलाशी ले रहा था। उस लड़का ने बड़े गंभीर भाव से कहा भैया क्या इस कचड़े के पीछे मैं अपनी मां के वचनों का उल्लंघन कर देता। तेरी मां ने क्या कहा भैया, जब मैं चला था तब मेरी मां ने कहा था बेटा कभी झूठ मत बोलना और अपने ईमान को साबित बना करके रखना। और भैया मैं ये कचड़ा तो जीवन में बहुत इकट्ठा कर लूंगा लेकिन मां का आशीर्वाद बार बार मिलने वाला नहीं है। वह डकैत और ज्यादा गहरे में विचारों में चला गया। कहने लगा धन्य इसकी मां के लिए जो अपने बेटा को ऐसा आशीर्वाद दिया, और धन्य इसके लिए जो अपनी मां के वचनों का पालन कर रहा है, और धिक्कार है मेरी मां के लिए और धिक्कार है मेरे लिए जो मैं दूसरों का खून पी करके अपना जीवन चला रहा हूं। बेटा तू आज से बच्चा नहीं है हमारे लिए, तू हमारा गुरु है और हम आज ये शपथ लेते हैं कि हम एक सच्चे और अच्छे इंसान बन करके जीवन जिएंगे। और वो सारे के सारे डकैत वो एक अच्छे इंसान बन गए। उस सौदागर का माल वापस कर दिया, उस लड़के की 40 मोहरें वापस कर दी। सज्जनों उस लड़का ने कोई वेद नहीं सुनाए, कुरान नहीं सुनाई, उस लड़का के पास में दो शब्द माँ के आशीर्वाद के थे और वो दो ही शब्दों के माध्यम से कितने लोगों का जीवन पलट गया। और बताते हैं वो लड़का इस्लाम धारा में एक हजरत हरगोसल के नाम से पैगंबर हुआ था। वो किसका आशीर्वाद था, वो माँ का आशीर्वाद था। वो नाक कटी वो किसकी कमी थी, वो माँ की कमी थी। नाक कटी तो माँ के माध्यम से कटी, और कोई भगवान बना कोई संत बना कोई सूरवीर बना तो वो माँ के माध्यम से। इसलिए कहते हैं कि जननी जने तो भगत जनी, और के दाता के सूर ना तो रहियो बांजरी प्रथा गमावे नूर। ये माँ मानव की खानी है। बच्चा गर्म में पल रहा है और भीतर से बच्चा कह रहा है अच्छी चीज ला बढ़िया चीज ला मेवा मिष्ठान ला, और वो चूल्हे की माटी देती जाती है, वो पांडू देती जाती है, वो क्रोध में रूठ करके लर करके बैठ जाती है। तो क्या वो बच्चा वीर बनेगा, भक्त बनेगा, दातार बनेगा। इसलिए ध्यान रखो जो जितनी शक्तियां पैदा वहीं, चाहे वो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हुए हों, चाहे वो कबीर साहब हुए हों, चाहे तथागत भगवान बुद्ध हुए हों, चाहे संत रविदास जी महाराज हुए हों, चाहे सदगुरु कबीर साहब जी हुए हों, जितने जो महावीर विद्वान और वीर पुरुष पैदा हुए उनके पीछे मातृशक्ति का ही हाथ था। तो क्यों नहीं मातृशक्ति जागृत हो जाए ठीक तरीका से। सज्जनों जो जागृत होकर के कोई भी कार्य किया जाता है वो कार्य सुंदर होता है, अच्छा होता है, और जो बेहोशी में कार्य किया जाता है वो अच्छा नहीं होता है, उसका परिणाम दुख ही होता है। चाहे वो बेटी बेटा पैदा करो, चाहे कोई सोते सोते अज्ञान में खेतीबाड़ी करो, चाहे कोई अपना घर बना मकान बनवाओ,
कोई भी किसी भी कार्य को अगर सोते सोते करोगे समझ लो कि वो जीवन की हिरासता है, जीवन की सहजता तो जागरूकता में है और वो मात्र शक्ति की बात है। और एक बात बताएं, पत्नी के माने पति होता है, पिता को तो ऐसे समझो टिकट बाबू और माँ को ऐसे समझो ट्रेन। अरे टिकट तो एक मिनट में मिल जाते ठाड़े बैठे कैसे हूं, लेकिन यात्रा तो ट्रेन में होते ना, दो दिना की, चार दिना की, छह दिना की जो यात्रा है वो ट्रेन में है। और हर एक यात्री चाहता है कि नहीं बढ़िया डिब्बा मिल जाए, सफाई सुधरो और बढ़िया सीट मिल जाए, तामे व्यवस्था होए और उसमें चोर गुंडाओं का भी भय नहीं हो और हम आराम से सोते सोते चले जाएं। तो इसलिए सज्जन वो माँ का दायित्व बहुत विशेष होता है, प्रबल होता है और पत्नी के माने पति होता है, शिष्य के माने गुरु होता है और पुत्र के माने पिता होता है। कोई पुरुष कहे कि ये मेरी पत्नी है और वो मने कर दे चौराहे पे, मेरो आदमी ना तुझे, तो भाई पिटाई शुरू है जाही बाकी, किसी की बहन बेटी को बैला फुसला करके ले आया है और वो कह देगा ये मेरा आदमी है, तो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है फिर, वो उसको पत्नी के ही रूप में उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों मातृशक्ति का कितना बड़ा, लेकिन हम भूले हैं, इसका नाम दिया है कहीं जगदम्बा कहा है, कहीं भवानी कहा है। जगदम्बा का अर्थ ही होता है जगत को जन्म देने वाली, संसार को जन्म देने वाली, और संसार को जन्म देने वाली है तो वो मातृशक्ति है। माता वही है सुतवती जो पुत्र ऐसा जन्मती, पिता वही सुतवान है जिससे वही ये संतति। रे बे जहां जिस देश में सुदेश तीर्थ मानिए, जिस वंश में नर होए स्वयं वो वंश पावन जानिए। ऐसी संतान चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, जिस वंश में जिस माता पिता के माध्यम से पैदा होते हैं वो वास्तव में ही वो पूजनीय होते हैं, वो माता पिता भी उनकी भी अमर कथा उनके साथ में जुड़ जाती है। वहां जिस जगह पर रहते हैं वो जगह तीर्थ बन जाता है, एक अच्छा स्थान बन जाता है, वो एक पावन पवित्र भूमि बन जाती है, लोग वहां दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मेरे बहन भाइयों वास्तव में ही ये सारी कला हम किसी मंदिर में जाने से नहीं मिलेगी, किसी तथा कथित देवी देवताओं को पूजने से नहीं मिलेगी, ये भूखे प्यासे मरने से नहीं मिलेगी। ये कला कैसे आती है? ये कला सत्संग से आती है। जहां सत्संग, अभी साध्वी कितना बढ़िया बोल रही थी, सत्संगत में आजा बंदे। एक बहन सत्संगी परिवार की थी और वो किसी मनमुख परिवार में जाकर के पहुंच गई, उसकी शादी कर दी, ध्यान से सुनना। और जब उसकी शादी कर दी, उस घर में सारे देवी देवताओं की प्रतिमा रखी थी और वो सासू माँ कह रही थी बेटा ये सारे के सारे देवता पूजे जाते हैं, लेकिन वो लड़की सत्संग परिवार की थी, उसने कहा माताजी एक भजन की मेरे से, ये हमारे श्री अमोल साहिब जी का पद है और कई लोगों ने कहा है महाराज इस भजन को डाल देना। आज ये हमारे चंद्रपाल भाई आ गए हैं तो वो भजन है, वो बहन कहने लगी देखिए। जो सती साध्वी होती हैं उनकी कैसी रहनी होती है, उनकी फिर कैसी संतान होती है।
पतिव्रत धर्म को निभाऊं। कितनी बढ़िया कही। और ऐसा नहीं है, आप सभी भाई बहन इसको अपने जीवन में समझने का प्रयास करेंगे। गाने से कुछ नहीं होता है, देखिए बहुत बड़ी शक्ति होती है। चाहे भले ही थोड़ी कल्पना के लिए कहें कि भैया कहीं किसी सती साध्वी ने सूर्य को रोक दिया था, ध्यान रखो ये एक संकल्प शक्ति होती है। इसके बारे में मैं फिर विचार रखूंगा कि संकल्प में कितनी शक्ति होती है। वो बहन कहने लगी, पतिव्रत धर्म को निभाऊं, भूत भूतनिया पूजा छोड़ के हो, पतिव्रत धर्म को निभाऊं, भूत भूतनिया पूजा छोड़ के। ये शक्ति कहां से आती है, कैसे आती है? क्योंकि ये संसार रंगमंच है, हम सब छोटे बड़े खिलाड़ी। कोई माँ का पार्ट खेल रही है तो उसको अपना पार्ट खेलना चाहिए, तो कोई पिता का पार्ट खेल रहा है उसको अपना पार्ट खेलना चाहिए। जिसका पार्ट बन जाता है उसका इतिहास बन जाता है, और जिसका पार्ट बिगड़ जाता है आगे इतिहास के पन्ने बंद हो जाते हैं। इसलिए अरे माँ तो सुवरिया भी होती है, कुतिया भी होती है, और जो जन्म देती हैं वो सब माताएं होती हैं। लेकिन वास्तव में यह माँ की बात कही है, और वो शक्ति कहां से आती है? अपने जीवन के सदाचरण से। और सदाचरण की प्रथम भूमिका क्या है, देखिए। पहली पूजा सासु ससुर की ताजा भोजन खिलाऊं, आज इस पांडाल में जो हमारी युवा बहन बेटी है वो संकल्प लेकर के जाए कि हम अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करें, तो मान लिया जाएगा कि आपने सत्संग सुन लिया। और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या है? बताते हैं, एक देवी ने अपने पति से कहा, सुनो जी मंदिर पर हमारे गुरु महाराज आए हैं, मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूं। उसने कहा तो भैया ने पानी पिलवा दो हमें। बोले रे पप्पू के चाचा मुझे बहुत देर है हो रही है, 11-12 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो जाता है और तू पानी पीवत रही हो। और वो चली गई और सत्संग सुनकर के आई, कथा सुनकर के आई, आकर के कहने लगी पप्पू के चाचा ते हो ना मन को तू कदम जाए, यही बैठो बैठो खाट में और पंचायत कर तो रहते है सुबह तो रहो यही, और मैं कथा सुन के आई हूं और हमारे गुरु महाराज ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो क्या बातें बताई तेरे गुरु महाराज ने? बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अरे तो भैया एक आध बात हमें बताए थे? बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अरे तो पनवेश्वरी कछु तो बता। उन्होंने कहा कि स्त्री को अपने पति की सेवा करना चाहिए। बाने कही तने को पानी पिलवाए दे। कह रहे पप्पू के चाचा ते टेंटुआ चटका तो ही रहते है, जब मैं गई तब पानी मांग रहे हो और कथा सुन के आई हूँ अब पानी मांग रहे हो। ए भैया ते ही तो गुरु महाराज ने ये बात बताई, तो मोरे से ही थोड़े ही कही तू ही पानी पे जाए भैया जा तक है।
वहां तो बहुत माता बहन थी, मैं तो बता रही हूं जो इनने कही सो, ऐसी बात नहीं। वो बहन कितनी समझदार होगी, कहने लगी सुनो माता जी, पहली पूजा सासु ससुर की ताजा भोजन खिलाऊं, वो भूमिया पथरा पथवरियन को, भूमिया पथरा पथवरियन को नहीं मैं पूजन जाऊं, सासु के चरण दबाऊं, भूत भूतनिया पूजा छोड़ के हो पतिव्रत धर्म को निभाऊं, भूत भूतनिया पूजा छोड़ के। माताजी मेरे लिए तुमसे देवी और कोई बड़ी नहीं है, और मेरे ससुर से और बड़ा कोई देवता नहीं है, और मेरे पति से भी बड़ा और कोई देवता नहीं है। ये तो सारे के सारे देवता तुमने नकली इकट्ठे करके रख लिए हैं। और वास्तव में ही जब कभी देश पर संकट आया तो विदेशियों ने ये सारे के सारे देवता और मंदिर तोड़ फोड़ करके डाल दिए, लेकिन कोई देवता काम में नहीं आया। इसलिए सच्चे अर्थों में देवता, बुढ़िया ने कही बेटा ये देवता है हमारे जहां जात लगते जा की दिवनी में, ये नगर से अंडा खाते है, जाए तो पूज लिए। बोले सुनो मम्मी, नगर से निकी जगह दीवार को पोटी पाटी पुटलाऊं, नगर कितनी माताएं जो भौजाई हैं वो अपने देवर से देख देख करके कुड़ती रहती हैं, लेकिन वो कितनी बढ़िया देवी होगी। नगर सैन की जगह दीवार को पोट पाट पुटलाऊं, हो निस दिन काम हमारे आवे, हो निस दिन काम हमारे आवे, बिस्कुट दे बेलाऊं अपनी गोद में खिलाऊं, भूत भूतनिया पूजा छोड़ के ओ अपनी गोद में खिलाऊं, अपनी गोद में खिलाऊं, अपनी गोद में खिलाऊं, भूत भूतनिया पूजा छोड़ के हो पतिव्रत धर्म को निभाऊं, भूत भूतनिया पूजा। मेरा देवर कितना बढ़िया है, और वास्तव में देवर को भी अपनी बड़ी भाभी को अपनी माँ के समान समझना चाहिए, और भाभी को भी अपने देवर को अपने बच्चा के समान समझना चाहिए। एक का एक के प्रति समर्पण भाव हो, कैसा द्वंद्व और कैसी लड़ाई, लेकिन सज्जनों जब हम कुछ और समझ लेते हैं तब फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, द्वंद्व शुरू हो जाता है। ये एक व्यवस्था है, वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। फिर सासू माँ ने कहा तो बेटा एक देवता है, बात तो पूछ लिए, कालू खां होगा कहीं पर थान उसका, और वैसे देवतन के तो कहीं घाटे ना, जगह जगह पच्चों तरह बन रहे हैं, जगह जगह पर मजार खड़ी हैं, और हम लोग इतने कमजोर हैं कि जहाँ कहीं रंगो रहा पत्थर मिंग भाई मुड़ के बर खड़े हो जाते हैं। जय हो परमेश्वर, तू ही कछु करेगा जो करेगा सो। ऐसे जानो जैसे एक प्रजापति ने एक ही मिट्टी के गोंदा में से तमाम सरैया कुल्लड़ घड़ा मटका बनाकर रख दिए, और वही बिन रंग करके पोत करके, और फिर कहे हे पनवेश्वरी सरैया मैया
एक कुल्लड़ बाबा जो कुछ हतो सतुई है, तो आप लोग कहेंगे जी कैसा मूर्ख है, जई ने स्वयं में बनाए हैं और जय उन पर वरदान मांग रहा है, क्या यही तो स्थिति हमारी के कुछ और है। सज्जनों उस बहन में कितनी मजबूती होगी, वो कहने लगी सुनो माता जी, बड़े देवता जेठ ददा को हरदम उखम बजाऊं, बड़े देवता जेठ ददा को हरदम उखम बजाऊं, हो उनके आगे कालू खांकी, हो उनके आगे कालू खांकी, जरा नहीं बेखाऊं सुमति संगठन बनाऊं, भूत भूतनिया पूजा छोड़ के ओ पतिव्रत धर्म को निभाऊं, भूत भूतनिया पूजा छोड़ के हो पतिव्रत धर्म को निभाऊं, भूत भूतनिया पूजा छोड़ के। और आखिरी पंक्ति में वो लड़की कहने लगी, घी और दूध खवाए पति को तगड़ो खूब बनाऊं, जो मेरा पति सवेरे से ही जाते हैं काम करने के लिए और शाम को नोटों की गड्डी मेरे हाथ में थाम देते हैं, ऐसे पति को मैं अच्छा अच्छा भोजन करा करके और खूब अच्छा बनाऊंगी, मजबूत बनाऊंगी। और कितनी माताएं तो उपवास रखती हैं पति के कारण है। करवा चौथ को एक तो बहन कह रही सुनो जी, कह तो साड़ी को जोड़ा लियो 10,000 रुपया को नहीं उपास नहीं रहूंगी, के उपास नहीं रहोगी तो फिर क्या करोगी, तो अगर तुम बचेंगे नहीं फिर। एक ऐसी विडंबना है, नहीं शक्ति तो होती है, वास्तव में शक्ति होती है। एक हमने सुना कहीं कि एक बहन कोई चावल कूट रही थी और पड़ोस ने आई गई, आई होगी यहां चले हुए, बात समय की बात है, नेक थोड़ी पहली बाने कही बहना ने कहा आँच दे दे भाई चूल्हे में थे, तो बाने धनकोटा जो ऊपर को ले गई से ऊपर ही छोड़ दिया, तो वो अदपर टंगोर रहे हो। बाने कही बहना जी कैसा रहेगो जितों पे का जादू है, बोली बहन जादू कछु ना है, मैं पति की सेवा करती हूँ। बाने कही तो फिर तो मऊ करेंगे जी, तो बड़ी कला मिल गई, इतनी शक्ति है। पर सज्जनों कभी कभी ऐसा होता है कि देख ही देखा साधे जोग और चीजें काया बाढ़ है रोग, वो तो रोज लत्ती संज्ञा सवेरे कबू कबू तो पीट देती आदमी है। आदमी आयो आर में थे, बाने कही सुनो जी ज्वारे छोड़ दे हूं बांध देंगे, बाने ज्वारो छोड़ दिया और बांध दिया, बाने की उतारो कपड़न ने, वो सोच रहे हो कि आज उगारो करके मारेगा परमेश्वरी। उसने खूब निलाया और निला दुला करके फिर भोजन पवाया, अब वो सोच रहे हो कि कारण क्या है, पता नहीं जी इतनी कुसामंदी आज क्यों हो रही है। अब खाना खा करके उसको लिटा दिया, तुम सो जा चारे भाई पे और सुनो हूं दाना कूटे हुई, और वो तो घाट पर लिटाए दो और वो दाना कूट रही हो, जे कही सुनियो तुम पानी मांगियो मुंह पे। अब सोयरो बेचारो बहने की पता नहीं कि क्या करेगी, और हारो नहीं रो आओ सोएगो
और वो कूट रही, सोच रही कि जी पानी क्यों ना मांग रहो, बराबर ने दिखाई तो दही मैंने, पर जी ऐसा बोंद हुए जी पानी ना मांग रहो, सो लोड़ा धरो भाई, सुबह दो तो पाई में होगा जी, पाई में लोड़ा दो तो जगह आवे वो, माने उठा के लोड़ा दो, सो लोड़ा बैठो भाई मूड़े, माने कहीं लइयो पानी, सो माने छोड़ दो भागो भाई वो धनकोटा, सो जैसे छोड़ो तैसे ना के बैठो भाई, मज्जा भरा दे तो जाए के दो भावे दे, तो मैं नहीं कूद सकती ना ने, वो बहन तो जो कह रही कि पतिव्रत पति पे इतने शक्ति होते हैं, पति की सेवा कर रहे हैं, मैं यू नाक ड्रवाई दे, तो मेरे भाई बहनों ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन वास्तव में जो अपने तन से मन से वचन से जो अपने संकल्प को साध लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं चाहे भाई हो और चाहे बहन हो, उसके संकल्प को दुनिया में कोई काट नहीं सकता है। ऐसे संत महात्माओं की कथा भी है सज्जन, लेकिन कल्पना हम जब समझ लेती है कि जब हम हमारे अंदर में उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन उस तरीका से अगर हम करके देखें, संत रविदास जी महाराज ने तमाम ब्राह्मणों को नीचे झुका दिया था अपनी संकल्प शक्ति के आधार से। आज तो हम राजनीति के आधार से एक नीति के आधार से लोगों से हम बात कर लेते हैं, लेकिन उस समय तो उनका बोलने का भी अधिकार नहीं था, और उनके सामने एक नहीं हजारों ब्राह्मण नक्की टेक करके गए थे, और बड़े बड़े राजपूत घरानों की महिलाओं ने जिनको हम रानी कहते थे, रानी झाला, भक्तमती मीराबाई, जिन्होंने संत रविदास जी को गुरु बनाया था, वो क्या था, वो उनकी संकल्प शक्ति थी। आज भी उनका नाम लिया जाता है तो सदगुरु कबीर के साथ साथ में और संत श्रोमणी श्री रविदास जी महाराज जी का भी नाम आता है। तो क्यों नहीं हम अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत बनाएं, और सज्जनों संकल्प शक्ति मजबूत होती है तो उस व्यक्ति के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है और कोई भी बड़ा काम नहीं है दुनिया में। इस पर वक्त आएगा तो फिर चर्चा करेंगे। वो बहन कह रही, घी और दूध खवाए पति को तगड़ो खूब बनाऊं, ओ अमोल गुरु की पूजा करके, ओ अमोल गुरु की पूजा करके घर के भूत भगाऊं, डंका जीत को बजाऊं, भूत वो तनिया पूजा छोड़ के, ओ पतिव्रत धर्म को निभाऊं, भूत वो तनिया पूजा छोड़ के, हो पतिव्रत धर्म को निभाऊं, पतिव्रत धर्म को निभाऊं, पतिव्रत धर्म को निभाऊं, भूत वो तनिया पूजा छोड़ के, ओ पतिव्रत धर्म को निभाऊं, भूत वो तनिया पूजा। अब तो जाग पड़ो भैया वक्त नहीं है सोने का, अब तो जाग पड़ो, अब तो जाग पड़ो पीरन वक्त नहीं है सोने का, अब तो जाग पड़ो भैया वक्त नहीं। इसलिए मेरे बहन भाइयों मैंने निवेदन किया था कि एक माँ ने अपने बेटा को भगवान बना दिया, परमात्मा बना दिया, बुद्धिमान बना दिया, एक माँ ने अपनी बेटी को कितनी शक्ति दे दी, चाहे वो मीराबाई रही हो, चाहे झलकारी बाई रही हो, चाहे अवंती बाई रही हो, चाहे लक्ष्मी बाई रही हो, सज्जनों चाहे तो बेटी हो चाहे बेटा हो वो तो एक ही बात है, लेकिन विशेष बात है मां की, जो मां जीती जागृत है,
सज्जनों, तो वो अपनी संतान को जीती जागृत बनाएगी, अच्छी बनाएगी, और फिर वो एक लयन है जीवन की। ऐसी लयन जीवन की हमें सभी को बनानी चाहिए। हम ये संसार रंगमंच है, हम सब छोटे बड़े खिलाड़ी। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ, समय अपनी ओर है, संतों का यही भाव होता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बोलिए श्री सतगुरुदेव की साई।